हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी और ओम नमः शिवाय। हाँ जी, पहुंच गए जी, असी आ गए हैं अपनी मुकान। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। टाइम हो गया 9:30 सुबह के, तो मैं अभी उठा हूँ आज, तो थोड़ा सा अब मैं बस उठ गया, अब नहाने जा रहा हूँ, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद मेरे को तैयार होना है। आज कल वाले ब्लॉग में बताया ही था कि आज मेरे को डोडा जाना है, तो बस उसी के लिए तैयार होना है। तो बाकी तैयार होकर मिलते हैं और फिर बाकी, तो आज का व्लॉग शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेट्स सी क्या बनता है। तो चलो, ओम नमः शिवाय बोल के करते हैं दिन की शुरुआत। जय माता दी और ओम नमः शिवाय। हाँ जी, वी आर रेडी टू लीव, तैयारी हो गई पूरी, कपड़े डाल लिए, आउटफिट मेरी आज की, तो अब निकलने वाला हूँ बस, तो रास्ते में देखते हैं। और हाँ, ये देख लो, छोटा ही है लेकिन है, थोड़ा सा व्लॉगिंग का सेटअप है, ट्राईपॉड है, गोरिल्ला पॉड है इवन, तो अब निकलते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा व्लॉग आगे, मतलब सब मैंने देखते हैं कि क्या क्या आपको दिखा सकते हैं पूरे रास्ते में, तो होप कि आपको आगे का व्लॉग अच्छा लगेगा। लो जी, हो गया सफ़र शुरू, तो अब हम लोग निकल रहे हैं डोडे, तो हमारे साथ शिव जी, हेलो, ये हमारे सूरज भैया, बिल्कुल तैयार त्यूर होके, बाकी क्लिप्स वगैरह आगे आपको मिल ही जाएंगी सारे सफ़र की, हमारे ड्राइवर भी लाएंगे, तो बाकी यही था, आज शुरू करते हैं, शिवाय सबको, सफ़र शुरू हो गया। ये हमारे ड्राइवर रोहित भैया, ये क्लिंडर संजय भैया, बाकी सफ़र शुरू। जम्मू के सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू पॉइंट पे, दूसरा नाम इसका सुसाइड पॉइंट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, एंजॉय द व्यूज। पे उधमपुर के रास्ते में आता है काली माता का मंदिर, तो इधर ये इसलिए मंदिर बनाया था क्योंकि इस जगह पे टिकरी में एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, तो उसके लिए ये मंदिर बनाया था। बाकी ये हमारे माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा हिल्स जिनको बोलते हैं, इधर ही हमारी माता वैष्णो देवी वास करती हैं, तो जय माता दी सबको इस बात पर, है ना। पहुंच गए उधमपुर, यहाँ मामा जी हैं मशहूर न्यूट्री कुलचे वाले, इनसे हम अपना न्यूट्री कुलचे और खाने का सामान पैक कर दिया, बस अब यहाँ से आगे चलेंगे। सफ़र में मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई, सच में, इतनी सब बातें, ये वो, और बहुत टाइम बाद मैं बाहर निकला हूँ, मतलब इट्स ऑल बॉयज़ टूर, तो इसीलिए मज़ा बहुत आ रहा है। चलो, लेट्स एंजॉय चने कुलचे, सॉरी चने न्यूट्री, वाह।
पत्नी टॉप की पहाड़ियाँ और बाकी तो ये है सारी रोड NH44 सामने, वो देखो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, पूरी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। देख लो जी बहुत ज़्यादा बढ़िया, आज मौसम भी अच्छा है, धूप भी है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा मौसम है। लेकिन ये देखो ये चेक करो, यही नज़ारे जम्मू का, यही नज़ारे आते हैं बंदे देखने भाई दूर दूर से। चेक करो पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई वाकई। अब जो अगली टाइमलैप्स वीडियो आएगी वो आएगी चिनैनी नाशरी टनल की, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है एशिया की है। तो वो आपको अभी तक का व्लॉग अच्छा लग रहा है और अब आगे देखना जो अच्छा व्लॉग, मतलब जो भी अब आपको देखने को मिलेगा। चिनैनी नाशरी टनल बहुत फेमस है। नाशरी टनल, चलो अब जा रहे हैं आगे। अच्छा लगा होगा शायद आपको जो पीछे टाइम लैप्स वीडियोस थी, हिली जरूर है लेकिन स्टिल गाड़ी में झटके तो लगते हैं, कॉम्प्रो करना पड़ेगा। असली वादियां तो अब शुरू हुई, पूरे सामने खाली यही है, बर्फ से ढके हुए पहाड़। लो जी बटोत पहुंचने वाले हैं, पेट्रोल पंप पे रुके हम। भाई तेल डाल दो। मैं नहीं डाल रहा, ये डालेंगे भैया हमारे। ना मैं नहीं डाल रहा। बाकी ये देखो जी सुंदर पहाड़ियाँ, ठंड पूरी है, हाँ बहुत मस्त ठंड है आज इधर भाई। वाकई वादियाँ ये है, नीचे चिनाब दरिया, ओहो भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब हमारा जो आंखें देख सकती हैं वो कैमरा कभी नहीं देख सकता, लेकिन वाकई यार कुदरत से के मुकाबले का कुछ नहीं है। वाह वाह कैसा व्यू है यार, क्या व्यू है कसम से यार। नीचे देख भाई, नीचे नीचे भाई, नीचे देख। जैकेट डाली भाई, बढ़िया ठंड है पूरी है ना, यहाँ पे इतनी ठंड है हम क्या बताएं, कसम से यार। नीचे यार बाकी व्यू, मैं कह रहा हूँ आज तक लोग कहते हैं पटनीटॉप, ठीक है पटनीटॉप अच्छा व्यू है, लेकिन जो व्यू यहाँ पे सच में, सच में बहुत अच्छा है, सच में भद्रवा डोडा ज्यादा सही है यार भाई, ज्यादा सही, बहुत अच्छा है यार, ज्यादा सही, बहुत मजा आ रहा है। भद्रवा डोडा ज्यादा सही है, पटनीटॉप शटनीटॉप लोग ऐसे ही जाते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हम स्पेशल गाड़ी रोके यहाँ, सच में रोकनी पड़ी सही में, मजबूर हो गए रुकने के लिए, सही कि इतना मजा यहाँ पे भाई। नीचे देखना यार, वो देख नीचे देखना भाई, नीचे ही दिखा रहा हूँ, अच्छा व्यू है यार कसम से यार, पानी है यार कसम से, पानी का कलर चेक कर यार दूर से, ग्रीन कलर है, वाह वाकई यार। जाना था वो तो बस पहुंच गए हैं, बस इलाका ये है जैसी सीनरीज में होता है, असली दिख रहा है यहाँ पे
बाकी अब इस रास्ते से नीचे जाना है, वो नीचे अंदर जो घर है यहाँ पे इधर जाना है हमने। हाँ जी पहुंच गए जी, असी आ गए हैं अपनी मुकाम ते। मुकाम ते। वाकई सारे रास्ते इतनी थकावट नहीं हुई जितनी हुई इस रोड पे हुई है छोटी सी। वाह एडवेंचर, एडवेंचर कह सकते हैं, एडवेंचर हाँ पूरा पूरा, या हम एडवेंचर कह सकते हैं कि क्या रोड था। वाकई जाते वक्त हम आपको वीडियो देंगे। हाँ बिल्कुल, उस रोड से जहाँ से हम आए आए हैं सही में। और फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आया हम इस जगह पे है ना, इस जगह पे आए हैं और हम फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। ये देखो क्या नज़ारा है, यही हमारी डेस्टिनेशन थी, हम यहाँ पहुँच गए हैं। मतलब इन पहाड़ों में क्या मज़े हैं, सच में लाइफ स्टाइल यहीं क्या है, शहरों में तो बस शोर ही है लेकिन मज़े, प्यार, शांति, इश्क सच में पहाड़ों में मिलता है। पहाड़ मतलब क्या यार, ब्यूटी, ब्यूटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम लोग यहाँ की, जन्नत मतलब वर्ड्स कम है, वर्ड्स कम है यहाँ पे। ये देखो ऊपर बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों में, बहुत सही है, मतलब बहुत ही अच्छा सुकून है यार यहाँ पे, सुकून। वाह यार, इधर अब गांव में आए हैं तो रोटी नीचे बैठ के, लेकिन यही मजा है इधर का। अभी सबसे पहले तो आया हमारे पास चाउमीन, जो मैं नहीं खाता। कोई नहीं, मैं खा लेता हूँ। तो बस अब यहाँ से अब रोटी शोटी खाएंगे, डांस हो गया हमारा देख ही लिया होगा, बस रोटी खाएंगे बस निकलेंगे यहाँ से। देखेंगे जी, पता नहीं कितना आपको दिख रहा है कितना नहीं, लेकिन ये रोड देख लो जिसपे अभी हम आए हैं, सिंगल गाड़ी निकलने की रोड है, गाड़ी के साथ एक शायद एक बंदा भी पैदल नहीं निकल सकता भाई, बड़ी मुश्किल से। लेकिन यार अगर सूरज, हाँ ये बात तो है भाई, मानना पड़ेगा इस बंदे की ड्राइवरी को, सही में बहुत सही गाड़ी निकाल दी। और दूसरी बात, अगर इतनी सी हमको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना, थोड़ा सा कि रोड है थोड़ा वो करना पड़ रहा है, लेकिन वर्थ है जो हमने व्यूज देखे उसका। बस अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, क्यों सूर्य भैया बर्थ था ये व्यू नहीं? बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्यों रोए दिया बर्थ थे व्यूज? बिल्कुल भाई, पूरे 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 बर्थ थे व्यूज, ये मजा आ गया। हाँ जी, तो टाइम हो गया पूरे बज गए 9। हमने पहले सोचा था कि पत्नीटॉप जाएंगे वहां से, तो मैंने पहले भी बोला था शेल ब्लॉक में, लेकिन वही प्रॉब्लम हो गई कि टाइम वहाँ से निकलने में बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया था, तो पत्नीटॉप में कोई फ़ायदा नहीं था जाके, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखना तो था नहीं और वैसे भी लेट हो रहे थे घर पहुँचना। तो अभी भी हम जस्ट उधमपुर क्रॉस किया, अभी भी यहाँ से जम्मू 50 किलोमीटर्स है। तो अब हमने यही सोचा है, मतलब अब मैंने यही सोचा कि कुछ तो और दिखाने को है नहीं, अब मैं घर पहुंचने वाला हूं, तो व्लॉग को यहां एंड करते हैं। बाकी पीछे दोनों भाई जो हैं रोहित भैया संजय भैया वो सो गए हैं, मैं हूं जागा और सूरज भैया ड्राइव कर रहे हैं। तो बस थक तो सारे गए हैं अच्छे से, क्योंकि पूरा हेक्टिक डे था, बहुत ज़्यादा ड्राइव थी, ऊपर से हिली एरिया था, तो जहाँ जिनके घर गए थे वहाँ पर भी हम काफ़ी चल के गए, रोड से काफ़ी नीचे था उनका घर, तो हेक्टिक हो गया सारा दिन, बट ठीक है, बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एडवेंचर रहा। तो बस यही, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग, बाय बाय टाटा, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और होप आपको यह व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है, तो कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी मैं मतलब जैसे पहले भी मैंने कंटेंट थोड़ा सा अपना अच्छा किया, मुझे खुद भी लगा कि जब वाटरमार्क हटा तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, और सबने बोला कि तेरा वाटरमार्क हटा, अच्छा कंटेंट हुआ। और हाँ
सबसे बड़ी बात मेरे इस समय, मैंने अभी रिसेंट चेक किया था, 153 सब्सक्राइबर हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, इतना सपोर्ट कर रहे हो सब लोग बस। तो अब इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, तो बाय, साइनिंग ऑफ।